हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6, पेड़ पौधे और हम। पाठ परिचय। पौधों या फूलों को उखाड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। पेड़ पौधे अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। इनसे सभी प्राणियों को भोजन के साथ साथ शुद्ध वायु भी प्राप्त होती है। आइए पाठ का आनंद लेते हैं। टीना और तुषार कभी तितलियों को पकड़ते तो कभी खेल खेल में कई पौधों और फूलों को उखाड़कर बहुत खुश होते हैं। सुंदरलाल माली काका के बताने पर वह जान पाते हैं कि अनजाने में ही वे कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, यानी अपना ही अहित कर रहे थे। पात्र: तुषार, टीना, तितली, सुंदरलाल, माली। मंच के एक कोने में फूलों के तीन गमले रखे हैं। एक ओर से तुषार और टीना का मंच पर प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। टीना: तुषार, देख तितली, चलो उसे पकड़ते हैं। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तितली उड़कर चली जाती है। टीना: तुषार, देखो कितने सुंदर फूल हैं, चलो इन्हें तोड़ते हैं। तुषार: चलो। तुषार फूल तोड़ता है तो कभी पूरा का पूरा पौधा ही उखाड़ जाता है। तुषार: टीना, चलो पौधे उखाड़ो उखाड़ो, खेलते हैं। टीना: चलो। दोनों दो गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। माली: अरे तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? तुषार: हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। माली: पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। तुषार: लेकिन मजे की बात जरूर है, तुषार ने हंसते हुए बोला। फिर पौधे उखाड़ने लगे। टीना: मैं अब थक गई। तुषार: मुझे तो भूख लगने लगी है। टीना: हाँ मुझे भी भूख लग रही है। माली: मेरे पास आलू पालक की सब्जी और रोटी है, तुम दोनों खाओगे? टीना और तुषार: हाँ हाँ हम भी खाएंगे। माली जाकर खाने का डब्बा ले आता है। तुषार: धन्यवाद काका। दोनों खाते हैं। माली: काका सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली: तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई है? तुषार: आपके घर से, टीना ने हंसते हुए कहा। माली: और मेरे घर पर कहाँ से आई? तुषार: सब्जी की दुकान से। माली: और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? तुषार: सब्जी मंडी से। माली: और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? तुषार: खेत से। माली: और खेत में कहाँ से आई? तुषार: हमें क्या पता। माली: मैं बताता हूँ, खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और तुम दोनों पौधे ही उखाड़ रहे थे, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। तुषार: लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़ी ही खाते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। माली: तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। टीना: कौन? तुषार: माली काका। हंसता है। माली: नहीं मैं नहीं, लेकिन तितली, मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीते हैं। अच्छा तुमको पता है कि ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? टीना: खुशबू। तुषार: छाया, लकड़ी। माली: हाँ ये तो देते ही हैं, लेकिन एक जरूरी चीज और देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। टीना और तुषार: हमें नहीं पता। दोनों सोचते हैं। माली: दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो, और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं, लेकिन तुरंत ही घबराकर हाथ हटा लेते हैं। तुषार: हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। टीना: मेरा तो दम ही घुट गया। माली: सांस ना आना और दम घुटना,
यह ऑक्सीजन ना मिलने के कारण है। टीना और तुषार, ऑक्सीजन? माली, हाँ, और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। टीना और तुषार, पेड़ पौधों से? माली, हाँ। तुषार, इसका मतलब यह है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। टीना, तब तो हमारा दम घुट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं और खाना भी देते हैं। तुषार, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। माली, शाबाश बच्चों, तुम्हें जहां भी खाली जमीन दिखे वहां पौधे लगा दो। टीना, माली काका, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहां अमरूद के बीज बो दूंगी, फिर वह एक दिन अमरूद का पेड़ बन जाएगा। तुषार, मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। टीना, तुषार, लेकिन तुम्हारे पास एक जगह तो खाली है। तुषार, कौन सी? टीना चिढ़ाते हुए, तुम्हारा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहां एक अक्ल का पौधा लगा दो। ऐसा कहकर टीना हंसती हुई भागती है। तुषार, ठहर, मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। टीना और तुषार का मंच से प्रस्थान।